हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं आशा अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आज अपने वीडियो की शुरुआत इस प्यारे से सिंगोनियम के प्लांट से कर रही हूँ, तो आज मैं इसी की रिपोर्टिंग करना बताऊँगी और कबाड़ के जुगाड़ वाला स्टिक लगाना बताऊँगी, क्योंकि ये स्टिक पर रहने वाला सिंगोनियम है। देख सकते हैं इसकी हर ब्रांच में रूट बन रही है, तो इसको समझिए कि स्टिक वाला है। तो इसको स्टिक लगा देंगे तो बहुत ही देखने में खूबसूरत लगेगा। तो आप भी मेरे तरीके से करिए, अगर आपके पास वह सुविधा नहीं है स्टिक देने की तो कबाड़ की जुगाड़ वाला स्टिक चलिए देते हैं। सबसे पहले चलिए पॉटिंग मिक्स देख लेते हैं क्या क्या लेंगे, तभी तो ये प्लांट हमारा ग्रोथ करेगा। तो ग्रोथ के लिए सबसे पहले मिट्टी का अच्छा होना ज़रूरी होता है, क्योंकि मिट्टी अगर अच्छी रहेगी और प्लांट कैसे भी आप लगा देंगे तो ग्रोथ करेगा, और कितना भी अच्छा प्लांट हो और उसको मिट्टी अगर अच्छी नहीं देंगे तो प्लांट कभी ग्रोथ नहीं करेगा और बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए वेल्ड्रेन मिट्टी लेंगे। तो चलिए मैं वेल्ड्रेन मिट्टी में देखिए क्या क्या लेती हूँ। तो ये मेरी नॉर्मल गार्डन की मिट्टी है और इसमें मैंने रेत वगैरह भी मिलाया होगा, शायद आपको नहीं दिख रहा है, इधर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने रेत भी मिला लिया है। अब इसमें मैं देखिए क्या डालने वाली हूँ फ्रेंड, इसमें मैं धान की भूसी डाल रही हूँ और ये ब्रान है, इसी में दोनों मिलाकर मैं रखी थी, तो इसको मैं डाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छी वेल्ड्रेन मिट्टी तैयार होती है, देख रहा है आपको बारीक इसमें दिख रहा होगा धूल की जैसे, तो इसमें ब्रान मैंने भी लिया है। तो इससे ये होता है कि वेल्ड्रेन मिट्टी तैयार होती है, तो वेल्ड्रेन मिट्टी में कोई भी पौधा हो बहुत अच्छे से ग्रो करता है, कभी ख़राब नहीं होता है। तो कभी भी आप मिट्टी वगैरह तैयार करिए, चाहे जिस भी पौधे का, तो बहुत अच्छी वेल्ड्रेन मिट्टी तैयार करिए ताकि उसमें कभी पानी ना रुके और नमी मात्रा रह जाए। तो देखिए मैंने किया है। उसके बाद देखिए मैं फर्टिलाइज़र के तौर पे क्या क्या ले रही हूँ। ये मेरी केचुए की खाद है और ये मेरा सरसों खली नहीं, नीम खली है फ्रेंड, क्योंकि नीम खली इसलिए डाल रही हूँ कि मिट्टी में कोई फंगस वगैरह का अटैक ना हो और ये ग्रोथ के लिए डाल रही हूँ। तो चलिए इसमें मैं दो मुट्ठी के करीब ले लूँगी। देखिएगा मेरा ये पौधा कितना जल्दी ग्रोथ करेगा। और ये एक मुट्ठी के करीब मैं नीम खली डाल रही हूँ। तो मिट्टी में आप नीम खली और फंगीसाइड पाउडर ज़रूर डालिएगा। और चलिए और इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर भी एक चम्मच के करीब डाल दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। अब इसको अच्छे से मैं मिला लूँगी, उसके बाद तो फिर बताती हूँ फ्रेंड। इसको मैं मिला रही हूँ, उससे पहले चलिए आपको कुछ बातें कर लूँ। तो फ्रेंड, वेल्ड्रेन मिट्टी में पौधा बहुत अच्छे से विकास करता है, क्योंकि इसकी जड़ों का विकास होता है। वही चिकनी मिट्टी रहती है तो पौधा विकास नहीं करता है, चिकनी मिट्टी में जड़ें उसी में जकड़ के रह जाती हैं, और जो भुरभुरी मिट्टी होती है उसमें जड़ें बहुत अच्छे से विकास करती हैं। तो कभी भी आप मिट्टी तैयार करिए तो बहुत ही अच्छी वेल्ड्रेन मिट्टी तैयार करिएगा, चाहे आप जिस पौधे का तैयार करिए वेल्ड्रेन तैयार करिए, क्योंकि उसमें जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होता है। तो न्यू ब्रांच, न्यू पत्तियाँ आती हैं, फूलों पे कलियाँ आती हैं, जो इंडोर रहेगा वो भी बहुत स्वस्थ रहेगा। तो पौधे के स्वास्थ्य के हिसाब से वेल्ड्रेन मिट्टी बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं इसको अब मिला चुकी हूँ, तो चलिए गमला दिखाती हूँ। तो ये सब देख सकते हैं मेरा ये गमला है और इसमें बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है। तो देखिए आप गमले का भी चुनाव करिएगा, तो ये चेक कर लीजिएगा कि उसमें ड्रेनेज सिस्टम है कि नहीं है। ड्रेनेज नहीं रहेगा तो उस गमले में आप पौधा नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखिए पानी निकासी की व्यवस्था नहीं रहेगी तो पौधा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले गमले में पानी निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो भी आप पानी डालें वो पानी आसानी से निकल जाए। उसके बाद एक छोटा सा टुकड़ा इस पर रख देंगे, क्योंकि जो भी आप पानी डालें, पॉटिंग मिक्स ना निकले, बस आपका पानी छन के निकले। अगर आप नहीं लगाएंगे तो पता चलेगा कि वेल्ड्रेन मिट्टी जब रहती है तो पानी डालते ही मिट्टी भी बाहर गमले से आ जाती है, तो फर्श वगैरह गंदा होने का चांस रहता है। तो इस पर ये रख देंगे तो सिर्फ पानी छन कर निकलेगा और आपका मिट्टी नहीं निकलेगा। तो चलिए इसमें पॉटिंग मिक्स भर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कि मैंने इसमें आधे हिस्सा पॉटिंग मिक्स भर लिया है। अब इसको मैं अच्छे से दबा दूँगी। दबाने के बाद अब इसमें जो ये मेरा प्लांट है इसको मैं कैरी बैग में से निकालूंगी। तो चलिए निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें कितनी सारी चींटियां हैं, कितने सारे मतलब कीड़े मकोड़े हैं। तो इसीलिए नीम की खली डाली जाती है कि ये जो कीड़े मकोड़े चींटियां हैं सब हैं जो भी हैं, तो वो भग जाएंगी। और वो क्योंकि नीम कड़वा होता है तो उसकी वजह से किसी भी फंगस या किसी भी कीड़े मकोड़ों का कोई अटैक नहीं होता है। तो चलिए इसकी मिट्टी थोड़ा तोड़ लेते हैं, क्योंकि मिट्टी तोड़ करके चेक करनी पड़ेगी ना कि पौधा स्वस्थ है कि नहीं है, इसमें कोई और भी तो फंगस वगैरह नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है।
तो देख सकते हैं इसमें जगह जगह थोड़ी सी, ये देखिए कितनी टाइट सख्त ये वाली चिकनी मिट्टी है, तो थोड़ा बहुत तोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड कितने इसमें सारे देख सकते हैं कितने सारे इसमें लगे पड़े हैं। अगर मैं ऐसे ही मिट्टी बिना तोड़े लगा देती तो कितना मतलब पौधा मेरा तो एकदम ख़राब ही हो जाता, उसको शायद मैं बचा नहीं पाती। तो अभी मैं इसमें और भी नीम ऑयल का स्प्रे वगैरह करूँगी ताकि जो भी चींटियाँ हैं भाग जाएँ। तो देख सकते हैं इतने, शायद आपको चींटियाँ वगैरह नहीं दिख रही हैं क्या, आपको दिख रही होंगी। तो देख सकते हैं फंगस वगैरह चींटियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, ये प्लांट तो बहुत जल्दी ही मर जाता, लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं, अब इसको सावधानी से इस पर रख देंगे क्योंकि मैंने सारी मिट्टी नहीं तोड़ी है। अब इसमें थोड़ी थोड़ी हम चारों तरफ से मिट्टी लगाएंगे, सपोर्ट देंगे। तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा, और प्लीज़ फ्रेंड अगर आप मेरे लिए न्यू हों तो मेरे चैनल को लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो लाऊं तो आप तक वो पहुंच जाए, और वह आपके लिए हेल्पफुल वीडियो हो सकता है वह वीडियो आप ही के लिए बना हो, वो वीडियो आपसे रिलेटेड हो। तो ये देख सकते हैं ये मैं कबाड़ का जुगाड़ लगा कर और उसमें ये बना रही हूँ, इससे ये फ़ायदा है कि मेरा इसी के सहारे ये गोल गोल घूम के इसी पर चढ़ेगा और अच्छा लगेगा फ्रेंड। तो चलिए इसको अच्छे से घुमा लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें बहुत अच्छे से लगा दिया है डंडी, और इसी डंडी के सहारे ये बड़ा होते जाएगा और इसके ऊपर चढ़ के और इसके ऊपर गोल गोल एरिया में ये घेर लेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और मुझे कोई रेडीमेड इसमें स्टिक वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप भी ऐसे करिए, और फ्रेंड इसकी बात कर लें तो इसको चिलचिलाती धूप से बचाइएगा, दो चार पाँच छः घंटे की धूप चल जाएगी लेकिन वो भी एकदम चिलचिलाती हुई नहीं, क्योंकि सिंगोनियम को चिलचिलाती धूप नहीं पसंद है, और ठंडी में तो अगर चार पाँच घंटे भी धूप लग जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब गर्मियाँ इसको स्टार्ट होंगी तो एक काम करिएगा कि आप इसको एक से डेढ़ घंटे की धूप काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं। नहीं तो ये जो पत्तियाँ आपको दिख रही हैं ये पत्तियाँ दिखेंगी नहीं, ऐसे जल जाएंगी, बर्न हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। तो चलिए इसको मिट्टी को अच्छे से पहले दबा लें। तो ये देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से दबा दिया है, अब इस पर स्टिक के सहारे चढ़ते चढ़ते इस पर जाएगा, इसके पास गोल गोल एरिया में पूरा ये घेर लगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आपके पास भी अगर स्टिक वगैरह ना हो जो रेडीमेड आती है तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा लगेगा। देखूँगी तो मैं थोड़ा सा ये सूख जाएगा तो मैं इसको पेंट भी कर दूँगी। तो ये देखिए देखने में कितना अच्छा लगेगा जब ये पूरा घेर लेगा तो, और मैं खाद वगैरह डाल दी हूँ, बहुत जल्दी ये ग्रोथ हो जाएगा। तो चलिए इसमें पानी डाल देते हैं फिर। तब फ्रेंड हम इसमें पानी डाल देंगे क्योंकि पानी डालना ज़रूरी होता है, और इसको कम से कम दो दिनों तक मैं सेमी शेडी एरिया में रखूँगी ताकि कोई भी प्लांट रिपोर्ट करने के बाद तुरंत उसको धूप में नहीं रखना चाहिए, धूप में रखने से वो प्लांट ख़राब हो जाता है फ्रेंड। तो वीडियो मेरी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड। तो वीडियो को एंड करते हैं, बाय, थैंक यू।